हेलो नमस्ते सलाम अलैकुम सत श्री अकाल राम राम, कैसे हो सारे? चकाचक, मैं भी चकाचक। तो इस वक्त हम हैं पुराने लखनऊ में। सब लोग मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्लॉक टावर। और इसके बाद में हम जाने वाले हैं बड़ा इमामबाड़ा। और इससे पहले आपने पुराने लखनऊ को इतने बढ़िया तरीके से कभी भी किसी भी ब्लॉग में नहीं फील किया होगा। आप पुराने लखनऊ को इस ब्लॉग में फील कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और मैं आपको यहाँ के फूड के बारे में जानकारी दूंगा और यहाँ पे क्या क्या जगहें हैं घूमने वाली जो आप लखनऊ आके एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं लखनऊ का ब्लॉग। क्लॉक टावर की खूबसूरती को जी भर के निहारने के बाद आइए अब चलते हैं बड़े इमामबाड़े की खूबसूरती को टुक टुक निहारने के लिए और बड़े इमामबाड़े के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए। इस वक्त अब हम बड़ा इमामबाड़ा पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुराने लखनऊ का पूरा मैप है कि आप यहाँ पे क्या क्या घूम सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप वहाँ पे जूम करिएगा ज़रा सा। जामा मस्जिद, छोटा इमामबाड़ा, सतखंडा, हुसैनाबाद, सदुरबा, हुसैनाबाद, बराबरी, घंटाघर, कुड़िया घाट, घंटाघर अभी जहाँ पे हम लोग गए हुए थे, बड़ा इमामबाड़ा, ये वाली मस्जिद, ये सब जगहें यहाँ पे मैप में दर्शाई गई हैं। और ये पूरा मैप है, आप मैप में देख के पूरा डेमो ले सकते हैं कि आप पुराने लखनऊ में क्या क्या जगह घूम सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बड़े इमामबाड़े की ओर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं लखनऊ अपनी नवाबी और नज़ाकत और सवारी के लिए फेमस है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ की ट्रेडिशनल सवारी टांगा। इस पे बैठ के अगर आप पुराने लखनऊ आते हैं तो आप टांगे पे बैठ के पूरे पुराने लखनऊ की सैर कर सकते हैं। और अब चलते हैं बड़े इमामबाड़े के गेट की तरफ। मेरे पीछे आप बड़े इमामबाड़े का एंट्री गेट देख सकते हैं। अब यहाँ से हम बड़े इमामबाड़े के अंदर के लिए एंट्री करेंगे। बड़े इमामबाड़े में एंट्री के लिए यहाँ पे हमारे पीछे टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। तो बड़े इमामबाड़े की एंट्री के लिए आपको यहाँ पर पर्सन 50 रुपये पे करना पड़ता है। आप 50 रुपये में बड़े इमामबाड़े के अंदर जितनी भी जगहें हैं आप सारी विजिट कर सकते हैं। तो हमने एंट्री टिकट ले लिया है और अब हम आपको इसके अंदर शेयर कराने वाले हैं। मैं पहले सबसे पहले आपको बता दूं, बड़े इमामबाड़े का निर्माण 1784 सन में ये नवाब आसफ़-उद-दौला जी ने करवाया था। और बड़े इमामबाड़े को भूल भुलैया भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 84 सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए। और वो जो 84 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि अंदर कोई जाए तो वो गुम हो जाए, बाहर वापस ना नीचे निकल पाए, इसीलिए गाइड भी ले जाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भूल भुलैया भी है। चलिए अंदर। अंदर से बड़े इमामबाड़े की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ का आर्किटेक्चर अलग ही लेवल का है और इसके ऊपर से छत की नक्काशी कमाल की है। अंदर की खूबसूरती को कुछ देर निहारने के बाद आइए चलते हैं भूल भुलैया की सीढ़ियों से होते हुए इमामबाड़े की छत पर। जिंदगी काटनी नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी जीनी है, इस व्लॉग को देखते हुए एक और चाय पीनी है। तो आइए अब चलते हैं बड़े इमामबाड़े के गाइड से बड़े इमामबाड़े के इतिहास के बारे में और अधिक
जानकारी जानने के लिए। आप सभी लोगों का लखनऊ जंक्शन बड़ा इमाम बड़ा वेलकम। बड़ा इमाम बड़ा बड़े की यादें फरमाया, जिनका नाम इमाम हसन, छोटे भाई इमाम हुसैन। टिकट आपका इंक्लूड है कोर्ट बिल्डिंग जाने के, पहला भूलभुलैया, दूसरा बौली कुआं, तीसरा किला ऑफ टावर घंटाघर पिक्चर गैलरी, चौथा आता है हमारी बिल्डिंग घूमने के लिए शाही हमाम छोटा इमाम बड़ा। तो यहाँ से ये टिकट वहाँ तक जाएगा, वहाँ पर सब आपको स्टाफ बताएगा। तो यहाँ के बारे में सभी को बता दें, जो बिल्डिंग जाने के दो भाई यादें बनाई थी, बिल्डिंग का वेट कम करा के 1024 रास्ते निकले, बिल्डिंग में जो लोग फंसे उसने नाम दिया भूलभुलैया। तो यानी कि यहाँ के बारे में सभी को बता दें, यहाँ से बॉली में एंट्री करिए, हम सभी लोग पानी में रिफ्लेक्शन देखेंगे बाहर वालों का, सनलाइट से बिल्डिंग खोला जाता है, कॉर्नर ब्रेड और वाइट दुश्मन आसिफ-ए-दौला के, आसिफ-ए-दौला हिंदुस्तानी ब्लैक। तो यहाँ से फॉलो करेंगे, बॉली के अंदर एंट्री लेंगे, सभी लोग आइएगा यहाँ से। यहाँ पर चार रास्ते हैं, नाइलों के लिए छोटी सी भूलभुलैया हो जाती है एबीबी, और बिल्डिंग गोल हो गया है। इंग्लिश बोलते वेल, उर्दू बोलते बॉली, हिंदी बोलते कुआं। कुएं के पानी से इमामबाड़ा बनाया गया, स्टोर किया गया, गोमती से कनेक्ट है पक्का पुल। तो यहाँ पर कनेक्ट है गोमती से, कुएं का पानी सोख गया है, हमारे अच्छे भी आता खराब भी लोग। बड़ा इमामबाड़ा और बाबली दोनों पूरा टेम्पल बनाया गया 1784 से चालू हुआ 1784 में कंप्लीट हुआ 11 साल लगे। बॉलीवुड की डेट बनने की 1771 स्टार्टिंग चालू हो गया, कंप्लीट हो गया। पानी लाना है कहाँ से लाएंगे, गोमती से पानी लाया गया अंडरग्राउंड सुरंग से, छोड़ा गया है वहाँ सुरंग है वहाँ से, मतलब पानी वहाँ से अभी भी आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ब्लॉक कर दिया गया, अब ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। 1857 में झगड़ा हुआ था ना यहाँ पर, 1857 की क्रांति, राजा बहादुर शाह जफर, आसिफ-ए-दौला, अवध की फोर नवाब बिल्डिंग बनवाने वाले। और यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दें, कपल नो एंट्री है, शादी विदा होंगे क्या नहीं होंगे, जो रूल्स होंगे उसको फॉलो करेंगे, सभी के लिए नियम बनाए गए यहाँ पर, कोई आपके लिए हमारे लिए नहीं है। तो बिल्डिंग को नीचे की रिपेयरिंग हो गई, ये भी सब रिपेयरिंग हो जाएगा। ये ककैया ईट है, इससे बनाया गया इमाम बाड़ा। ये क्या ककैया ईट बोलते हैं, जिसको जो इजी लगता है वो बोलता है इसको। अच्छा, इसमें क्या है, ये मॉरिंग सीमेंट बाहर से यूज हुआ है, अंदर जो मटेरियल लगा पुराना लगा हुआ है, उड़द की दाल, जौ का आटा, सिंघाड़े का आटा, सुरखी चूना, चिकनी मट्टी, यही मटेरियल कैंपल में। उस जमाने में आबादी कम थी, हम लोग टाइम पर आबादी ज्यादा है, तो वही अनाज हम लोग खाते पीते हैं ना। ये तो बिल्डिंग 7 स्टोरी है, 4 इसके लॉक है, जमीन के अंदर आधी बिल्डिंग है कुआं, आधा अंदर को है जमीन के अंदर, तो अंडरग्राउंड 4 लॉक और 3 खोले गए यहाँ पर, पहला सेकंड पर हम थर्ड के ऊपर। तो जमीन के अंदर है बिल्डिंग, जो नए लड़के लड़कियाँ आते हैं कंफ्यूजिंग भाई चलते चक्कर ही काटते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तो मालूम जरूरी होना चाहिए किधर घूम रहे हैं, कौन करना है। अच्छा, इसमें भी आदमी घूम जाता है वो टाइम का, क्योंकि सेना देख के देखती थी, यहाँ से बैठ के देखती थी कौन दोस्त कौन दुश्मन आ रहा है, पहचान पानी हमको करके दिखा रहा है बता रहा है, बाहर वाला ना हमको देख पाएगा ना कभी, बिल्डिंग हाफ डाउन, जमीन से कौन उतरेगा कौन जाएगा सब मालूम यहाँ से हम देख रहे हैं। पानी के रिफ्लेक्शन बाहर से लोग जो आ रहे हैं पानी में जा रहे हैं सनलाइट से, हमको मिला के नजर रखी जाती थी अपने दुश्मनों पर यहाँ पर खड़े होकर। जी बिल्कुल, वो हमें नहीं देख सकते, हम उनके बारे में सब जान सकते हैं। जी, तो यहाँ से चलते हैं कुएं के पास, ऊपर देखते हैं कौन आ रहा है। इमामबाड़ी का निर्माण किया गया है जी, इस कुएं के पानी से किया गया, कुएं के पानी से किया गया, दिखाइएगा कुआं। तो पानी तो फिलहाल सूख चुका है जी, दो बजे हमारे यहाँ फेंक दिया, अच्छे घर के लोग आके एतराज करते हैं, यानी गंदा क्यों है, सफाई रोज होती है यहाँ पर, इंसान नहीं मानता है प्यार मोहब्बत काम लेना, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इंसान की एक होती है दिमाग में नेचर होता है उनका, जो फ्लॉप हो जाता है, जो कहा जाए उनको अपना भैया जो डिब्बा लिए आप डस्टबिन फेंक रहे यही फेंक देंगे, यहाँ पर गंदा लोग कर देते हैं। तो यहाँ से हम सभी लोग चलेंगे गार्डन से, 500 फीट की दूरी है, आप लोगों को चारों का देखा मुलाकात तो आप हुई है, तो जाना कि आप हमको देखो उनकी लाइट से, मॉर्निंग डे नाइट यहाँ पर डार्क होता है बाहर वाले के लिए, जो बस आएगा वो हमको नहीं देख पाएगा, हमारी फोन की लाइट से बचाने का, और हम सबको यहाँ सड़क देख लेंगे। तो पानी के जरिए रिफ्लेक्शन भी मालूम है कौन दोस्त कौन दुश्मन, नीचे वाला सिपाही ऊपर वाले का आवाज़ देगा अटैक करो दुश्मन आया। यहाँ से तीर चतुर कमांडर में तीर चलाने का नाम था आसिफ-ए-दौला सैनिक का शाह जफर अली नवाब, यहाँ से सैनिक का गार्डन कौन आ रहा कौन जा रहा देखते हैं, आइए आराम से। आप मुझे देख सकते हैं वहाँ से, मैं नहीं देख पाऊंगा, हम आपको यहाँ से देख लेंगे, आप हमको नहीं देख पाओगे, बाहर वाला हमको नहीं देख पाएगा, हम लोग भी रोशनी उजियाला है उनके लिए डार्क है अंधेरा है। तो यहाँ से हम तीर चलाएंगे दुश्मन को मार सकते हैं, सेंटर पॉइंट बनाया गया यहाँ का, कमाल का स्ट्रक्चर है यहाँ से अंदर का आदमी बाहर अपने दुश्मन पे नजर रख सकता था, लेकिन बाहर से अगर कोई देखता तो उसको सिर्फ अंधेरा दिखता, डार्कनेस दिखती, वो अंदर नहीं देख सकता था, तो ऐसे ये लोग बड़े इमामबाड़े को प्रोटेक्ट करते थे।
बहुत से लोग हमारे यहाँ के बिल्डिंग को हॉन्टेड बोलते हैं, तो अजी को करीब वो सवाल, इसका कोई सवाल का कोई आंसर ही नहीं है। ऐसा क्यों, इसको हॉन्टेड क्यों बोला जाता है? यहाँ पे क्या ऐसे कुछ किस्से पाए गए हैं? नहीं नहीं, किस्से नहीं पाए गए हैं, उसकी अलग फैमिली होती है। हम आपको बता दें यहाँ के बारे में, यानी कि KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बैकपा कॉलेज बना बैकपा, तो यहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो बच्चे सवाल कर लेते हैं घुमाने टाइम पर, आपको घुमाते हैं, आप डर नहीं लगता है। तो पड़ोस मेरी यही अपील है, मंदिर मस्जिद इमामबाड़ा गुरुद्वारा सबको अपना धर्म प्यारा, ना भूत ना भूतनी, हम जिसे बातों को नहीं मानते हैं। पड़ोस मेरी यही अपील है, यहाँ पर आज के दौर में सबसे बड़ा भूत होता है वो होता है इंसान, तो रॉन्ग को कहता है राइट, राइट को कहता है रॉन्ग, इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं है। बिल्कुल, हम लोग का दिल का बहम होता है, कभी कभी ऐसा होता है अपनी परछाई से भी दूर कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए तो यहाँ पर हम बता दें आपको, बिल्डिंग को रिपेयरिंग कराया गया है, सिर्फ रिपेयरिंग कराया गया है, तो ये रोशनी आ रही है, हवा आ रही है, लाइट आ रही है, कूलिंग होता है सालों साल, जब भी घूमने आएंगे जैसे मौसम में, मतलब यहाँ पे जो भी ऐसा कहते हैं कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है वो सरासर गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बैक साइड में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे पोस्टमार्टम ग्रह बना हुआ है, वहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं बॉडीज के, इसीलिए बच्चों ने ऐसी अफवाह फैला रखी है यहाँ के कुछ लोग लाइट ने कि बिल्डिंग को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बिल्डिंग हॉन्टेड नहीं है। तो धार्मिक प्लेस है यहाँ पर, हमने बोला पड़ोस से यही है, हम कहीं गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाएंगे, जरूर सुनेंगे, वहाँ पर उसको फॉलो करेंगे, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे, मुझे कोई राइट नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं है। दरगाह सभी के लिए, टिकट क्या के लिए, घूमने के लिए लिया है, भूल भी लिया, बॉली कुमार छोटा इमाम बड़ा फिलॉप टावर घंटाघर के बैक पर पिक्चर कहते हैं रोड, तो यहाँ के बारे में सभी, तो ये कम्बाइंड टिकट होता है फोर बिल्डिंग का घूमने का, जो गाइड के साथ में नहीं जाता है, गाइड यहाँ का यहाँ रहेगा, वहाँ का वहाँ रहेगा। तो यहाँ के बारे में सभी को बताते हैं, ये बिल्डिंग 7 स्टोरी है, 7 बार में पड़े हुए हैं, उस जमाने कैंडल मशाले सब जलते थे, रात के टाइम पर रोशनी सिपाही करते थे आग के जरिए, तो यहाँ पास इसका नीचे से बना दिया गया है, और देख रहे हैं यहाँ पर रिपेयरिंग कराए, तो हमारे अनाड़ी किसान आते हैं घूमने के लिए, तोड़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसको, तो हम मना क्यों करें भैया, हाथ मत रखो, बीमार पड़ सकते हो, पर्सन फैल सकता है, अच्छे भी खराब भी बीमार टाइप के लोग आते हैं, तो यहाँ पर दूर से करना है, देखना उसको, समझे? तो यहाँ के बारे में आपको बता दें, बड़े भाई की याद में बड़ा इमाम बड़ा जिनका नाम इमाम हसन, फिर हम रिपीट कर दिए बात को, बड़े की याद में, और छोटा इमाम बड़ा जाएगा, वाइट बना खूबसूरत दरगाह बनी है, बहुत प्यारी सी, आप फोटो भी लोगे बहुत अच्छे आएंगे, उनका नाम इमाम हुसैन, हम मातम करते हैं हसन हुसैन के नाम पर, दरगाह धार्मिक प्लेस पे, तो वैसे जो ताजिया होती है, ताजिया वो मातम जो किया जाता है मुहर्रम के, मुहर्रम वो हसन हुसैन के नाम पर किया जाता है, तो यानी कि यहाँ पर मातम होता है हसन हुसैन के नाम पर होता है, और मुझे ये मॉम जो है शियाफा मोलिया जी जी, यहाँ के बारे सभी को बता दें, तो सभी के लिए है, सब लोग आए मातम करना है, करें आप लोग माशिक का करना है, तो हिंदुवानी लैंग्वेज बोलते हैं तबरुक को पटचार, उर्दू बोलेंगे तबरुक, गुस्सा बांट रहे हैं नहीं भी हमको देते हैं प्रसाद बोलते हैं, वैसे हमारे के लिए अरे कहना के बात वही है, यहाँ के बारे सभी को बता दें, क्योंकि याद में जो करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन के साथ में बहत्तर लोग, उनकी याद में यानी कि मुहर्रम मनाते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं, नंगे पैर आग बजाते हैं, उनकी याद में खुद को तकलीफ दी जाती है, खुद को तकलीफ दी जाती है, आपके कहना है, मेरे हिसाब से ये नहीं करना, आपको हम चलते हैं और अगले दिन ठीक भी रहते हैं, अच्छा एक अकीदा एक भरोसा जी जिसको मानते हैं, तो मतलब आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, आप लोग एक जिंदा चमत्कार देखते हैं, बस ऐसा लोगों का मानना है कि तकलीफ हो रही है, जबकि तकलीफ आपको कुछ नहीं होती है, इसी आप अगले दिन बेहतर हो जाते हैं। तो हमें क्या लगता है, गुलाब पाश, हम जंजीरी मातम करते हैं, सगा मातम करते हैं, प्लेट वाला मातम करते हैं, खाली गुलाब लगाते हैं, ठीक रहता है, हमारा की सूखा दल जख्म भर जाता है, जिंदा चमत्कार देखते हैं। तो कुछ साल पहले यहाँ पर एक लेडीज मुसलमान घूमने के लिए आई, 45 से उसका बैग पिछला गिफ्टिंग के नीचे आई, तो हमारे के हिंदू मतलब का होमगार्ड बैठते बारे भगवान बारे मौला करने लगा, तो जिंदा चमत्कार करना कुछ खरोश है ना कुछ आया सहन भी, तो बचाने वाला मालिक सबका उपा वाला है, मजहब अलग क्या हुआ, इंसान सब है प्यार मोहब्बत खुशी बात यही है, हमें तो यहाँ के बारे में आपको बता दें, आज से पहली बात हनुमान जी का मंदिर आसिफी दौला ने यही डेट में बनवाया था, निषादगंज साइड हनुमान जी अलीगंज हनुमान मंदिर जो लखनऊ में काफी प्रसिद्ध है, वो भी मंदिर जो है वो यहाँ के ही नवाब जिन्होंने ये बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया था, नवाब आसिफ उद्दौला, उन्होंने ही वो अलीगंज का हनुमान मंदिर बनाया था। देखिए उस टाइम पे भी बिल्कुल भी बैर नहीं था, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं था, वो मुस्लिम धर्म के थे, उसके बावजूद उन्होंने अलीगंज हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। आखिरी और पहली बात, मूवी लॉन यहाँ पर म्यूजिक सुनाएंगे ना सुनेंगे, मूवी के नाम बदनाम किया गया यहाँ पर गदर फिल्म का, लोग कहते हैं बड़े बड़े की शुरू का मैच करता है शॉर्ट ले हो, गवर्नमेंट ज्वाइन किया गया शॉर्ट यहाँ का नहीं है, हजरतगंज के आगे कॉलेज पड़ता है लामाटर कॉलेज,
शॉर्ट मार कर ना दिखाने वाला, यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, कॉपी दिखाई गई, यहाँ पर है नहीं ऐसा। जो रियल शॉर्ट है आपका ट्रैक वाला पक्के पुलिस शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट कोई नहीं है, ठीक है, इधर आ जाइए। अच्छा, ये बड़े इमामबाड़े के बारे में मैंने एक बात और सुनी है जी, कि ये जो बड़ा इमामबाड़ा था दिन में बनाया जाता था और रात को इसको फिर तोड़ा जाता था, और दोनों जो कारीगर थे बनाने वालों को भी पैसा दिया जाता था नवाब के द्वारा और तोड़ने वाले को भी दिया जाता जी। बिल्कुल राइट बात ये है, इस ज़माने में यानी कि शायद मकान पड़ गया, सूखा पड़ गया था, बिल्डिंग को जनता गिरवाना बनवाना, लोगों की मदद करना रोजगार दिया गया था। जिनको शर्म है, जिनको जाले उनसे रात में काम दिया गया, जिनको शर्म नहीं है जिनको जाले में काम दिया गया और पैसा दिया गया। तो 22,000 मजदूर आसिफुल्लाह टाइम पर काम करते, जिनको शर्म आती बिल्डिंग काम करते हुए, जमाने में घर के लोग थे गाढ़ा मिट्टी काम करके मुझे मेरा मजाक नहीं बनाए, हसीन करें, यानी कि यानी उनसे कहा कि रात के अंदर में गिराएंगे और गरीब पार्टी को बनाएगी। गिरवाने का पैसा अलग दिया, बनवाने का अलग दिया, 11 साल में बिल्डिंग बन के तैयार हुआ। तो यानी 1773 की डेट है, 1784 कम्प्लीट, 11 साल लगे, 84 2021 चला। धार्मिक प्लेस यानी बनवाया था दर्शन करने के, यानी कि यहाँ पर नमाज होती है और यहाँ पर दर्शन के लिए आते लोग, यहाँ पर ज़्यारत के लिए आते हैं, 24 घंटे ज़्यारत की दरगाह खुला है। अच्छा, इसके बारे में मैंने एक चीज़ और सुनी है, इसको बनवाने में लगभग 5 से 10 लाख रुपए खर्च हुआ था और सालाना इसको मेंटेन करने में भी 5 लाख रुपए खर्च किया जाता था, 4 से 5 लाख रुपए उस टाइम पर। जी आपकी बात सही होगी, वैसे इतनी नॉलेज हमको नहीं है इसके बारे में, हम तो अभी आए हैं, आपको बता दें जो दौलत थी आसिफी दौलत के पास, उन्होंने सही पैसा यूज़ किया, सही काम में लोगों की मदद करी। तो यहाँ के बारे में आपको बता दें कि नवाब आसिफी दौलत बिल्डिंग के अवध के फौर नवाब बिल्डिंग को बनवाने वाले, यानी कि उस टाइम का मेन रीज़न था बिल्डिंग गिरवाना और बनवाना, काम देना, आगे लोगों की मदद मिलते रहे, काम मिलता रहे। शायद मकान ख़त्म हुआ तो 11 साल में बन के तैयार हुआ, बनवाने वाले आसिफी दौला हैं अवध के फौर नवाब, यानी कि यहाँ का इमाम हसन के याद में दरगाह बनवाई है। जो हमारे गरीब हैं, पासपोर्ट के वीज़े के पैसे नहीं हो पाते हैं, हम दर्शन करने असली हम नहीं आ पाते हैं, ईरान इराक तो वहाँ पर नहीं आ पाते हैं, वहाँ पर इतना पैसा नहीं, मेरी हैसियत नहीं है, तो हम यहाँ पर डुप्लीकेट में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये दरगाह धार्मिक असली बनवाया था, और ये फ्राइडे को बंद रहता है, जुम्मे की नमाज के टाइम बंद रहता है, बाकी सारे दिन वीकडेज में खुलता है जी, मॉर्निंग से 7 से खुलता है। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या भैया? आरिफ। ये हमारे साथ में आरिफ जी थे, इन्होंने दरगाह के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, जो भी जानकारी हमें नहीं थी वो इनके द्वारा हमने प्राप्त की। आप भी यहाँ आ सकते हैं, अंदर से आपको गाइड मिल जाएगा और गाइड के द्वारा आप अगर गाइड आप ले लेते हैं तो अच्छे से आप घूम पाएंगे, बड़े इमामबाड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और आप बड़े इमामबाड़े के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान पाएंगे। इसके अंदर बहुत कुछ है देखने को, मैं तो कहता हूँ आपको आना चाहिए और गाइड ज़रूर लेना चाहिए। जब तक आप गाइड नहीं लेंगे तब तक आप अपने इतिहास से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। आप घूम तो लेंगे बेशक अकेले, लेकिन जो अंदर की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आप नहीं जान सकते, इसीलिए आपको गाइड ज़रूर लेना चाहिए। और आप यहाँ पर आएँ, गाइड बहुत ही कम पैसे में आप ले सकते हो, तो आपको आगे यहाँ पर गाइड ज़रूर लेना चाहिए। बड़े इमामबाड़े से निकल कर हम यहाँ के फेमस लस्सी भंडार, शिव लस्सी भंडार पहुँचे, वहीं पर हमने अपना लंच किया, साथ में लस्सी का भी मजा लिया। एक नंबर। इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपने ये व्लॉग किसी भी रीजन से यहां तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले किसी और व्लॉग में।